तो यार आप लोगों ने मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए कि आखिर मुझे आपके लिए ये वीडियो बनानी पड़ी। सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए मेरे पास वो आए ऑडियो मेंजर बोल्ड ऐप के, और दूसरे पे जो आए हमारे वो आए कैलकुलेटर हाइट बोल्ड ऐप के। तो फिलहाल हम कैलकुलेटर हाइट ऐप की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई अगर हमारा मोबाइल फोन फॉरमेट होता है, या फिर हमारा मोबाइल फोन चोरी होता है, या फिर हमारा मोबाइल फोन डैमेज होता है, या फिर हमारे मोबाइल फोन में, या फिर हमने अपने मोबाइल फोन के सेटिंग पे जाकर स्टोरेज से डाटा क्लियर कर दिया, या फिर हमने ऑडियो मेंजर बोल्ड ऐप का डाटा क्लियर कर दिया, या फिर हमने अपने फाइल मैनेजर में जाकर अपनी गलती से अपना प्रोग्राम डाटा वहाँ से डिलीट कर दिया, तो ऐसे में हम अपने फोटो वीडियो कैसे वापस लाएंगे जो हमारे ऑडियो मैनेजर वोल्ड ऐप में। तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप किस तरीके से अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे जो आपके इस ऑडियो मैनेजर वोल्ड ऐप में थे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपका फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, सभी कुछ लाइव दिखाने वाला हूं, बस आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो देखो अगर हमारा मोबाइल फोन चोरी होता है, या फिर हमारा मोबाइल फोन खो जाता है, या फिर हमारा मोबाइल फोन डैमेज होता है, तो हम अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे किसी और मोबाइल फोन में। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी बात करते हैं, अब नंबर टू पे बात करते हैं, अगर हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट होता है, या फिर हमारे स्टोरेज से डाटा क्लियर कर देते हैं हम जाकर सेटिंग में से, या फिर हमने ऑडियो मेजर वोल्ड ऐप का डाटा क्लियर कर दिया, या फिर हमने फाइल मेजर में जाकर अपना प्रोग्राम डाटा जो होता है वो वहां से डिलीट कर दिया है, तो वो फोटो वापस लाएंगे हम या वीडियो वापस लाएंगे वो उसी मोबाइल फोन में वापस लाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके कमेंट पे ही वीडियो बना रहा हूं, जल्दी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों बात करते हैं कि भाई हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट हुआ है, या फिर हमने अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में जाकर अपने स्टोरेज का डाटा क्लियर कर दिया है, या फिर हमने ऑडियो मेजर वोल्ड ऐप का डाटा क्लियर कर दिया है, या फिर हमने मोबाइल का फाइल मैनेजर में जाकर वहाँ से अपना प्रोग्राम का डाटा वहाँ से डिलीट कर दिया है, तो फिर किस तरीके से अपने फोटो वीडियो वापस लाएंगे जो हमारे ऑडियो मेजर वोल्ड ऐप में थे। ये कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको देखो बता रहा हूँ। देखो आपको करना क्या है, पहले अपने मोबाइल फोन में इस ऑडियो मेजर वोल्ड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका मोबाइल फोन इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले से यहाँ से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इतना काम कर लिया। और अब बात करते हैं कि भाई चलो हमारा मोबाइल फोन चोरी हो गया, या हमारा मोबाइल फोन खो गया, या फिर हमारा मोबाइल फोन डैमेज हो गया है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने किसी और मोबाइल फोन में इस ऑडियो मेजर वोल्ड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। किसी भी मोबाइल फोन में कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद अब गाइस आपको ध्यान से देखना है, आपको जैसे मैं बताऊंगा बस आपको उसी तरीके से करना है, आपके फोटो वीडियो 100% वापस आएंगे, बस आपको जैसे मैं बताऊंगा बस आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर सकते पास, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद औरों को भी यहाँ पर फायदा हो जाए। हमने अपने मोबाइल फोन में इस ऑडियो मैनेजर वोल्ड ऐप को देख सकते हैं इंस्टॉल कर लिया है, और मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने में जो इसका इंटरफेस है हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें करना है ऑडियो मैनेजर पर दबा के रखेंगे, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, हम पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो पासवर्ड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो सॉरी यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो पासवर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमारे कुछ फोटो नहीं है, देख सकते हैं जीरो फोटो है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ भी फोटो नहीं है, जीरो फोटो है, जीरो वीडियो है, कुछ भी नहीं इसमें, मतलब एडिट खाली है, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। प्रोग्राम डाटा तो चाहे हमने कुछ भी कराना है इसमें, तो फिर भी फोटो वीडियो वापस ला सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। ऊपर आपको एक आइकन मिलेगा, राइट का आइकन, यहाँ देख सकते हैं मिल गया आइकन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें करना है कि आप एक मिनट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हमने लिखा व्हाट इज क्लाउड, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ लें, टाइम निकाल के थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या, हेरिका गेट स्टार्ट, बस आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, बस आपको करना क्या है यहाँ से आपको अपनी इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। और एक मिनट आप ध्यान से सुने, अगर आपने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कराया, या फिर मोबाइल फोन चोरी हुआ, या फिर मोबाइल फोन डैमेज हुआ है, तो आपको करना क्या हुआ, जो आपके मोबाइल फोन में ईमेल आईडी थी उस ईमेल आईडी को आपको किसी और मोबाइल फोन में लॉगिन करना होगा, ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। और बाकी सबके मोबाइल फोन में आईडी होती है, ये बात आपको पता ही है, बाकी जिसका मोबाइल चोरी हुआ या फिर डैमेज हुआ या फिर खो गया है, उसे तो अपने मोबाइल फोन में ये वाली आईडी लॉगिन करनी होगी। जब आपका मोबाइल फोन खो गया था उस समय जो आपकी ईमेल आईडी थी, वो ईमेल आईडी आप वहाँ पर लॉगिन जरूर कर लें जब भी आप यहाँ से फोटो वीडियो को वापस लाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी लॉगिन करके रखी थी ऑलरेडी, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देखेंगे रिकवर ऑटोमेटिक बैकअप योर डाटा, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या करना है, तो यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अगर देखो आपके यहाँ पर ज़्यादा फोटो है या फिर ज़्यादा वीडियो है, तो ऐसा हो कि यहाँ पर आपके 4-5 घंटे लग जाएं बैकअप होने में, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर 10-20 फोटो है या फिर 10 वीडियो है, तो आपके 15-20 मिनट में या फिर आधा एक घंटे में काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा फोटो है तो बहुत टाइम लगेगा, अगर कम फोटो है तो बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब करना क्या है, नीचे लिखा ब्राउज डाटा, ब्राउज बैकअप, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे इस वाले में, मतलब इसमें मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए ओनली 6 फोटो मैंने यहाँ पर डाल के रखे थे। तो हम करना क्या है, तो हम 6 फोटो सेट कर लेते हैं इस तरीके से।
तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इन्हें इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, आपको सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये फोटो आपके मोबाइल पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपकी वीडियो है या फिर आपका फोटो है, जितनी एमबी आपकी वीडियो है, जितनी एमबी आपका फोटो है, उतनी एमबी आपके यहाँ पर खर्च होने वाले डाउनलोड होने में। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप सोच सकते हैं भाई अगर आपकी 1 GB की वीडियो है तो एक वीडियो डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम आपको यहाँ पर लगने वाला है। जितना आपका डाटा है उतने टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ देर वेट करते हैं। तो हमारी 6 फाइलें तो हमारी देख सकते हैं, कुछ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, बाकी पेंडिंग में चल रही और अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट करते हैं। हमारे देख सकते हैं डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपकी वीडियो कम है तो आपकी और जल्दी, अगर आपके यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा है तो आपका टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ से बेक करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बस हम यहाँ से बेक कर लेंगे। इस तरीके से बेक करने के बाद अगर आप यहाँ गाइस नीचे देखेंगे फोटो हम क्लिक करते हैं, हमारे 6 फोटो थे, हम 6 फोटो पे यहाँ क्लिक करते हैं। फोटो पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे जो हमारे 6 फोटो हमने वहाँ से डाउनलोड करे हैं वो यहाँ पर आके सेव हो चुके हैं। यानी इस तरीके से आप अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे अगर आपका ये ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप आपके मोबाइल फोन से डिलीट होता है, या फिर आपके मोबाइल फोन में प्रोग्राम डाटा, या फिर आप अपने प्रोग्राम डाटा को वहाँ से डिलीट कर देते हैं फाइल मैनेजर में जाकर, या फिर आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं, या फिर आपका मोबाइल फोन चोरी होता है, या फिर आपका मोबाइल फोन डैमेज होता है, या फिर आपका मोबाइल फोन खो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप इस तरीके से अपने फोटो वीडियो वापस लाएंगे आपके इस ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप में थे। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद आप चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे अगर आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट होता है, अगर आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाकर डाटा स्टोरेज को मतलब क्लियर कर देते हैं वहाँ पर जाकर, या फिर आप ऑडियो में जाकर डाटा क्लियर कर देते हैं, या फिर आप अपना प्रोग्राम डाटा को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है, या फिर आपका मोबाइल फोन चोरी होता है, या फिर आपका मोबाइल फोन डैमेज होता है, तो आप फिर भी इस तरीके से अपने फोटो वीडियो वापस लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर सके पास, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद औरों का भी फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।